जी आपका नाम? मेरा नाम सविता इंसा है। आपको डेरा से जुड़े हुए कितने वर्ष हो गए? मेरे को डेरा से जुड़े हुए 18-19 साल लगा हुआ है। क्या आपने कभी कुछ गलत होते हुए डेरा में देखा? बिल्कुल भी कुछ भी नहीं देखा, वहाँ पर कोई भी गलत कार्य नहीं हो रहे हैं। जो गुरुजी पे आरोप लगाए गए हैं उसके बारे में क्या कहना चाहो? झूठे हैं, बिल्कुल ही झूठे हैं। गुरुजी पे बेबुनियाद आरोप लगाए गए हैं, उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। महिलाएं जो डेरा में जाती थी वो कितना सेफ है? वे 100% सेफ है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जो आप कह रहे हो कि वहाँ पे जो गुरुजी पे आरोप लगाए गए हैं बिल्कुल बेबुनियाद है, तो मीडिया में जो दिखाया गया है उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? वो बिल्कुल ही गलत दिखाए जा रहे हैं। वो जो उनसे जलते थे, जो उन पे वे गलत आरोप लगा रहे हैं, उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। सरकार से आपका क्या अपील करना चाहोगे? सरकार से हम यही अपील करना चाहते हैं कि वो सच्चाई को जाने पहचाने और हमारे गुरुजी को बरी कर दे। आपका अपने गुरु पे कितना विश्वास है? 100% से भी ज़्यादा। इस विश्वास के होने का क्या कारण है? क्योंकि गुरुजी हमेशा ही भलाई के कार्य करते हैं, सबके लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए भलाई के कार्य करते हैं। सफाई अभियान करवाते हैं, जीते जी गुर्दा दान लोग करते हैं, ब्लड डोनेट लोग करते हैं। अपनी जान की परवाह न करते हुए कहीं आग लग जाती है या कुछ भी होता है तो गुरुजी के जो अनुयायी है वे हमेशा आगे रहते हैं। जी मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जैसा सत्संग होते थे गुरुजी के, अब नहीं हो पा रहे, तो आपको लगता है क्या समाज पे कुछ बुरा प्रभाव पड़ रहा है गुरुजी के ना होने से? बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। डेरा जैसा था वैसे का वैसा ही चल रहा है। आपको क्या लगता है सत्संग आगे भी होने चाहिए गुरुजी के? बिल्कुल होंगे और हमें भी पूरा विश्वास है कि हमारे पिताजी बहुत ही जल्द हमारे बीच होंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका।